केवट भैया अपनी नौका लाओ, राम जी कह रहे हैं जो संसार को देने वाला है वो मांग रहा है, देख लो। तो केवट होंगे वो खुश होते होंगे, और जो केवट से अलग हैं वो कहीं उनको ईर्ष्या ना हो जाए, जलन ना हो जाए। लेकिन वाह करो दुनिया वालों, जलन करो ईर्ष्या, दुनिया वाले तो छोड़ो, देवता भी ईर्ष्या करने में नहीं चूके। बरस सुमन सुर सकल सिहाही एही सम पुण्य पुंज को नाही। कौन कह रहा है? देवता। देवता पुष्प बरसा रहे हैं, पुष्प बरसा रहे हैं और ईर्ष्या कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अरे ये केवटवा धन्य हो गया, देखो तो इसने राम जी का चरण धोया, हम लोग तरस रहे हैं, हम फूल बरसा रहे हैं। किसके ऊपर? राम जी और केवट के ऊपर फूल ऊपर से बरस रहे हैं। आ केवट बढ़िया मस्त है चरण धुलने में। हाँ वाह, क्या झांकी है उस समय की। वो संसार को देता है वो, राम मांग रहा है केवट भैया नौका लाओ और हमें बैठा कर पार कर दो, संसार का दाता। इसीलिए दो लोग बड़े भाग्यशाली हैं इस धरती पर, और जो दो लोगों को सौभाग्य मिला है वो किसी को नहीं मिला। कहा एक है महाराज जनक और एक है केवट। जनक जी ने चरण धोया और जानकी को समर्पित कर दिया, और केवट, केवट ने चरण धोया और गंगा के पार कर दिया। ताली बजाओ। मैं अब केवट का प्रसंग कर रहा हूं, ईर्ष्या मत कर। केवट भाई नौका लाओ, हमें बैठा कर पार कर दो। केवट बार बार उसी नौका को वो गंगा जी में, अच्छा लग रहा है केवट और बुलाओ, लोग बुलाने बुलाते हैं मैं तुरंत पहुंच जाता हूं, लेकिन आज मेरे राघव मुझे बुला रहे हैं, मैं थोड़ा देर से पहुंचूंगा। बार बार बुला रहे हैं, मांगी नाव न केवट आना। चौपाई भी कह रही है राम जी नाव मांग रहे हैं, केवट नहीं आ रहा है। कहा क्या? वहीं से कह रहा है दूर से बीच नदी के धार से, कहीं तुम्हार मरम में जाना। राघव हे राम जी मैं तुम्हारे मरम को अच्छी तरह जानता हूं। राम जी ने कहा पास में तो आओ, जो मेरा मरम है आकर के बताओ मेरा मरम क्या है। केवट आया राघव के बुलाने से, आया दंडवत प्रणाम किया दूर से, पास से नहीं छू कर नहीं स्पर्श नहीं किया, दूर से ही प्रणाम किया और क्या कहा? कहीं तुम्हार मरम में जाना, मैं तुम्हारे मरम को अच्छी तरह जानता हूं। राम जी ने कहा कि अरे मेरे मरम को तो बड़े बड़े नहीं जानते, ये केवट कैसे जानता है मेरा मरम क्या है? लक्ष्मण हुई है मरम ने जाना, राम जी का मर्म लक्ष्मण जो हर पल रहते हैं वो नहीं जानते, तो केवट क्या जान रहा है? कहा केवट भैया क्या है मेरा मर्म जरा बताओ। तब केवट ने कहा चरण कमल रज कह सब कहाई, अमानुष करण मूर्तो आई। आपके चरणों का मर्म ये है, मैंने सुना है कि एक थी गौतम की पत्नी अहिल्या, वो श्राप के कारण, पति के श्राप के कारण पत्थर बन गई थी। एक बार गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दिया था कि तू पत्थर बन जा, क्यों? क्योंकि देवराज इंद्र ने उसे अपवित्र कर दिया था। तो गौतम ने सोचा कि अहिल्या तुझे ये भान नहीं रहा कि मेरा पति है कि कोई और,
इसलिए श्राप है तू पत्थर की बन जा। तब से अहिल्या पत्थर की बन गई। और राम जी जब जा रहे थे मिथिला में तो अपने चरण का रज स्पर्श किया तो पत्थर से स्त्री रूप में प्रकट हो गई। वो बात केवट कह रहा है, चरण कमल रज कह सब कही मानुष करण मूर्त तो। हे राघव हमने सुना है कि आपके चरणों की रज में कोई जादू है। कहा क्या? कहा मनुष्य बनाने वाली मशीन है आपके चरण की रज में। हाँ मनुष्य बना देती है। हमने सुना है कि गौतम ऋषि की पत्नी को आप पत्थर की थी उसको स्त्री बना दिया। तो हे प्रभु इस नौका में आप बैठेंगे तो तरन्यू मुनि घरनी होई जाई बात परे मुरी ना उड़ाई। कहीं आपके चरणों की रज मेरे काठ की नौका में पड़ गई तो कहीं मुनि की पत्नी की तरह उड़ करके फुर्र ना हो जाए, उड़ ना जाए। क्योंकि एही प्रतिपालों सब परिवार। हे राघव यही एक नौका यही काठ की नौका ही मेरा आधार है। इसी से मैं अपने परिवार को जिलाता हूं, दो पैसा पाता हूं, अपने बच्चों को जिलाता हूं। तो एही प्रतिपालों सब परिवारू और न जानो कछु कबारू। और मैं कोई काम भी नहीं जानता कि अब कोई काम करके अपने बच्चों को जिला लूं, उनका पालन पोषण कर दूं। यही नौका ही एक ऐसी है जो मेरे परिवार का पालन पोषण होता है। तब तक लक्ष्मण जी ने धनुष और बाण निकाल लिया। क्यों? क्योंकि एक शब्द ऐसा कह दिया केवट ने कि लक्ष्मण जी क्रुद्ध हो गए। क्या? पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई जहां। पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई जहां। मोही राम राउर आन दशरथ सपथ जब साची कहूं। बरु पीर मारहु लखन पे जब लगन पाव पथारी हूं। तब लगन तुल सीदास नाथ कृपाल पारे उतारी हूं। केवट ने कहा पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहु। केवट ने कहा हे रघुराई जब तक मैं आपके चरणों को धुल नहीं लूंगा तब तक मैं आपको अपनी नौका में नहीं बैठाऊंगा। कब तक? मोही राम राउर आन दशरथ। मुझे हे राउर राम यहां भोजपुरी भाषा का प्रयोग रउआ आदर्श शब्द है। मोही राम राउर हे प्रिय राम मुझे दशरथ जी की कसम है तब तक मैं अपने नाव में नहीं बैठाऊंगा। और जब दशरथ का नाम सुना तो लक्ष्मण जी ने अपना धनुष और बाण चढ़ा लिया कि ये केवट को इतनी सभ्यता नहीं है, मेरे पिता दशरथ जी की कसम खा रहा है और किस तरह नाम ले रहा है, उनके नाम के आगे पीछे कोई संबोधन नहीं, ये दशरथ कह रहा है, इसलिए धनुष और बाण निकाला। तो भगवान श्री राम ने कहा कि केवट जाओ कठौता ले आओ। कहा प्रभु मैं कठौता नहीं लाऊंगा, सॉरी कठौती ले आओ। राम केवट ने कहा कठौती लाऊंगा, कठौता नहीं लाऊंगा। अब बाण कठौता भर लाया, कठौती नहीं लाया। क्यों? कहीं स्त्री ना बन जाए, चरणों की रज कहीं ऐसा चमत्कार हो जाए कि वो लड़की बन जाए तो वैसो दहेज देना पड़ेगा, और लड़का बनेगा तो दहेज मिलेगा। तो आज केवट सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे
बिहसी करुणा ऐन चितई जानकी लखन तनु। लक्ष्मण जी और जानकी जी की ओर देख करके केवट की तरफ इशारा करके भगवान हंसे। क्यों हंसे? देखा आज दोनों चरण केवट मांग रहा है, एक चरण जानकी जी सेवा करती, एक चरण की सेवा लक्ष्मण जी करते, बटा हुआ है। हाँ, बंटवारा हो गया है कि दोनों चरण नहीं देंगे, एक की सेवा जानकी, एक की सेवा लक्ष्मण। आज केवट दोनों चरण मांग रहा है, कि दोनों दो धुलने के लिए, एक से काम नहीं चलेगा। हाँ, कठौता ले आया और भगवान के चरण धुलने लगा। क्या सुंदर भाव! केवट कहता है, प्रभु नाव ही है जिससे मेरा परिवार चलता है। आज केवट कठौते में जल लाया, भगवान के चरण धुलने लगा। भगवान को नौका में बैठा करके सबसे पहले कौन नौका में चढ़े? जानकी जी को चढ़ाया। प्रिया समेत चढ़े रघुराई, पहले जानकी जी को चढ़ाया और वो केवट में चरण धुलकर चरण प्रक्षालन करके स्वयं पान किया, पितरों को भी तारण तरण किया और नौका में बैठाया और पार करने लगा। जानकी जी को सबसे पहले चढ़ाया, ट्रेन में किसी वाहन में सबसे पहले पत्नी को चढ़ाओ, शर्म ना करो। देख लो, अंबानी जब चलते हैं तो अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के चलते हैं हमेशा, ये लक्ष्मी है। इसका सम्मान अगर करोगे तो जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे, गारंटी है। गांव देहातों में देखो, पति चल रहा है 1 किलोमीटर दूर, अब पत्नी आ रही है पीछे पीछे 4 लड़कों को लेकर, एक को यहां दबाए है, एक को यहां बैठा है, अब पति आगे चला जा रहा है 1 किलोमीटर आगे। अरे कैसे पति हो यार, पत्नी को साथ में लेकर चलो। सच बता दें, बड़े बड़े लोग, अंबानी जैसे लोग अपनी पत्नी का हाथ नहीं छोड़ते हैं, हाथ पे हाथ पकड़ के चलते हैं। इसीलिए तो इतने संपदा वैभव के असंस्कार इतना तगड़ा है कि अब क्या बताऊं। जिस घर में संस्कार होगा, पत्नी का आदर होगा, उस घर में लक्ष्मी अपने आप आएगी। हाँ, यस्तु नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में देवता हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, उसमें रमण करते। इसीलिए पत्नी का आदर करो। सबसे पहले जानकी जी को बैठाया, फिर राघव बैठे और फिर मेरे राम बैठे और केवट मैया चलाने लगा।